एवरीवन, वेलकम टू द लैपटॉप सीरीज 2023। लैपटॉप सीरीज में हम आपको आपके बजट और कैटेगरी के हिसाब से लैपटॉप्स रेकमेंड करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स फॉर VFX एंड CGI। सो अगर आप ब्लेंडर, सिनेमा 4D, ऑटोडेस्क माया, 3DS या Houdini जैसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं बजट लैपटॉप्स की। सो इन बजट लैपटॉप्स के साथ जाना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो VFX CGI वाले सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा हार्डवेयर हंग्री होते हैं। बट स्टिल अगर आप VFX वगैरह में नए हो, आप सीखने जा रहे हो, तो आप इन लैपटॉप्स को कंसिडर कर सकते हो। इस बजट कैटेगरी में सबसे पहला लैपटॉप मैं आपको रेकमेंड करूँगा Honor MagicBook 15, जो कि आता है Ryzen 5 5500U के साथ। इसमें आपको 8GB RAM के साथ SSD देखने को मिल जाता है। ये आपको अराउंड 40,000 के आसपास मिलता है। ये लैपटॉप ठीक रहेगा अगर आप VFX स्टार्ट करने जा रहे हो तो। और सिमिलर स्पेक्स के साथ ही आता है ये Lenovo IdeaPad 3, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं Lenovo IdeaPad Slim 3 भी आपको रेकमेंड करूंगा, जो कि आता है i3 12th Gen के साथ, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी इसमें भी आपको 8GB RAM और SSD देखने को मिल जाएगा। सो वैसे अभी बजट कम था तो जो भी लैपटॉप मैंने बताया है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते थे, उसमें कोई भी एडिशनल ग्राफिक कार्ड नहीं था। बट अब से जो भी लैपटॉप्स बता रहा हूँ वो एडिशनल ग्राफिक कार्ड के साथ आएंगे, जो कि आपको CGI और VFX के कामों में काफ़ी हेल्प करेगा आपके रेंडरिंग प्रोसेस को फास्ट करने में। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट करें अपने स्पेक्स के हिसाब से, तो वो NVIDIA का ही हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर है वो NVIDIA के CUDA कोर्स का यूज़ करते हैं अपने रेंडरिंग में, तो NVIDIA का GPU होने से आपको एडवांटेज मिलता है। सो मिड रेंज में जो सबसे पहला लैपटॉप आपको रेकमेंड करूँगा वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि आता है Ryzen 5 5600H के साथ। इसमें आपको NVIDIA 1650 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है 4GB वाला, प्लस इसमें आपको स्टोरेज के लिए SSD हार्ड ड्राइव दोनों ही है, प्लस 8GB RAM आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि आता है i5 11th Gen के साथ, जिसमें है 1650 ग्राफिक कार्ड। बाकी इसमें भी आपको 8GB RAM और SSD देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप इस लिस्ट में है Acer Aspire 5, जो कि आता है i5 12th Gen प्रोसेसर के साथ, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है। प्लस इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 2050। यहाँ पे ग्राफिक्स RTX वाला है, तो आपको रे ट्रेसिंग का काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा रेंडरिंग में। सो इसे भी कंसिडर आप कर सकते हो। इसमें दो वेरियंट है, एक 8GB RAM वाला और 16GB RAM वाला, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप 16GB RAM वाले के साथ जाएं, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगा और इन दोनों ही वेरियंट में ज्यादा प्राइस का फर्क भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाई एंड लैपटॉप। यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगा Asus VivoBook Pro 16। ये एक 16 इंच का लैपटॉप है, जिसमें i9 11th Gen का यूज किया गया है, और इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 3050 देखने को मिलता है। इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर VFX वर्क, और ये बहुत ज्यादा हैवी वेट भी नहीं है, थिन एंड लाइट है, तो कॉम्पैक्ट भी रहेगा। सो द नेक्स्ट लैपटॉप ऑन द लिस्ट इज Asus TUF Gaming A15। इसमें आपको AMD Ryzen 7 6800HS वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ इसमें RTX 3060 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा विद 16GB ऑफ रैम एंड 1TB ऑफ SSD। ये भी काफी सही लैपटॉप रहेगा फॉर VFX वर्क। सो गाइस, जो भी लैपटॉप्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइस, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मे बी आप ये वीडियो एक या दो महीने बाद देखो, तो जो लैपटॉप्स है उनकी प्राइस चेंज हो जाए या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो लैपटॉप मैंने रेकमेंड किए हैं उससे सिमिलर स्पेक के लैपटॉप आप सर्च कर सकते हो और उन्हें बाय कर सकते हो। और स्पेक्स को कंपेयर करने में कुछ दिक्कत है ना, तो उसके लिए मैंने एक CG लिस्ट बनाई हुई है। वो लिस्ट में मैंने लीस्ट पावरफुल CPU से मोस्ट पावरफुल CPU का सारे ही लिस्ट बनाए हैं, जो भी लैपटॉप्स में यूज होते हैं। वो शीट आपको हेल्प करेगी आपके लिए सही लैपटॉप सेलेक्ट करने में। तो लैपटॉप सीरीज 2023 की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर आप चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।